चाह रही हो? बनूंगी मैं मदर इंडिया, मैं माँ हूँ, माँ के पास दिल होता है। हाँ, बाप तो बैटरी से चलते। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे 21 फरवरी को रिलीज हुई शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के टोटल 16 दिनों के रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म ने टोटल 16 दिनों में कितने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किए हैं, और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करना है, और साथ ही साथ सुपर हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर और कलेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था आनंद एरला और भूषण कुमार। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रितेश केवड़िया। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आनंद एरला और भूषण कुमार। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के रनिंग टाइम की, तो इस फिल्म के रनिंग टाइम काफ़ी परफेक्ट रखी गई है। इस फिल्म के रनिंग टाइम है लगभग 117 मिनट। दोस्तों, इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ए फिल्म। अगर बात की जाए जर्नल की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में आपको ज़बरदस्त कॉमेडी सीन और रोमांस देखने को मिल सकता है। मेन स्टार कास्ट में लिखेंगे बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार और मजे हुए सितारे नीना गुप्ता। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के मूल रूप से बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें यह फिल्म एक छोटी बजट की फिल्म है। यह फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि फिल्म बनकर तैयार हुई थी लगभग 27 करोड़ के बजट में। प्रिंट पब्लिसिटी यानी कि प्रमोशिंग प्रचार में खर्चे गए थे लगभग 3 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 30 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए स्क्रीनिंग के बारे में, तो दोस्तों आप तो जानते होंगे यह फिल्म भूत हंड्रेड शिप से क्लैश हुई थी। फिलहाल इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था लगभग 2000 स्क्रीन पर, जो कि अच्छी खासी स्क्रीन काउंटिंग कहा जा सकती है। ओवरसीज में इस फिल्म को स्क्रीन मिला था लगभग 500। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं लगभग 2500। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें फर्स्ट डे इस फिल्म ने बेहद ही शानदार कलेक्शन किया था। फर्स्ट डे इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 9.55 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला था। दूसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 11.08 करोड़ का। तीसरे दिन यानी कि संडे को हॉलीडे होने के कारण ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला था। तीसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 12.03 करोड़ के आसपास। दोस्तों, फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने इंडिया से कलेक्शन किया था लगभग 44.84 करोड़ का। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के मूल रूप से 15वें और 16वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें 15वें दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 95 लाख के आसपास, जो कि बेहद ही शानदार कलेक्शन कहा जा सकती है। वहीं 16वें दिन यानी कि आज इस फिल्म की जिस हिसाब से उसका पेंसिल जो डाटा सामने निकल के आई है, आज यह फिल्म कलेक्शन कर सकती है लगभग 1 करोड़ से 1.10 करोड़ के आसपास। दोस्तों, इस फिल्म के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होते हैं लगभग 60.30 करोड़ का। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं लगभग 72 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से इस फिल्म ने बेहद ही शानदार कलेक्शन किया है। ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया है लगभग 10 करोड़ के आसपास। टोटल इस फिल्म के आल कलेक्शन 16 दिनों के होते हैं लगभग 82.30 करोड़ का। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना कलेक्शन करना है, तो दोस्तों आपको बता दें यह फिल्म ऑलरेडी पहले ही हिट हो चुकी है। सुपर हिट होने के लिए इस फिल्म को कम से कम 90 करोड़ से लेकर 95 करोड़ का बिजनेस करना है। तो दोस्तों क्या लगता है फिल्म कितना और कलेक्शन कर सकती है, क्या यह सुपर हिट हो पाएगी? जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।